मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने की मांग उठी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह एमपी में भी गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। कांग्रेस की डिमांड पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि इनकी सरकार कल्पना में जीती है। आप देखो, अगर वो सरकार में आते हैं तो काल्पनिक प्रश्न है। बीजेपी नेता राहुल कोठारी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की योजना है, तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हिना कांवरे ने कहा कि एमपी में भी गोबर की खरीदी होनी चाहिए। गाय को, गौ माता को हम गौ माता मानते हैं, माता मानते हैं, और पहले उन्होंने गोबर खरीदने की बात की, अब गौमूत्र। जब गौमूत्र खरीदा जाएगा तो जो परिवार हैं वो गाय को पालेंगे और उसको घर में रखेंगे, उसको गौशाला में रखेंगे, क्योंकि उससे गोबर के बाद एक और गौमूत्र भी उनका बिकेगा। ये काल्पनिक प्रश्न तो देखो आप, अगर वो सरकार में आते हैं तो कैसे काल्पनिक, बिना खम्मे के आसमान टिकाए अगर गिर गया तो, ये काल्पनिक प्रश्न है। और इसलिए वो काल्पनिक आश्वासन दे सकते हैं, उनके आश्वासनों को जनता काल्पनिक ही मानती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी उनकी योजना है और हम तो चाहेंगे कि मध्य प्रदेश उसको लागू करे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश इस तरह का कोई काम नहीं करेगी, मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार, क्योंकि उनके पास कोई ना तो मध्य प्रदेश को चलाने की कोई योजना है और ना ही कोई उनकी ऐसी कोई सोच है। चूँकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी ने जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस की सरकार जिस दिन से बनी है वहाँ, उस दिन से किसानों के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने जो एक सोच के साथ जो काम कर रहे हैं उसका ही ये रूप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता पहले इस बात को बताएं कि उन्होंने गौ भक्ति कब करी। गौ माता का उपयोग केवल अब वो चुनावी रणनीति के तहत कर रहे हैं, अगले साल वहाँ चुनाव होने वाला है, लेकिन भूपेश बघेल जी इस बात को पहले स्पष्ट कर दें कि गौमूत्र की जो बात वो खरीदने का कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो गौमूत्र भ्रष्टाचार का सूत्र बन के रह जाए। लोग जो हैं पानी मिला मिलाकर कांग्रेसी नेता जो हैं वो सरकार को टिपा दें और उसके बाद ये भ्रष्टाचार का बड़ा रास्ता निकल कर आए। हमें लगता है इस तरह की व्यवस्था जो है ये समाज पर छोड़ देना चाहिए। समाज इस काम के लिए हमारे यहाँ उपयोगी है, समाज समर्थ है, इस तरह का कोई भी काम जो है काम नहीं आने वाला।